नमस्कार, मैं नरेश रागानी, स्वागत करता हूँ आपका होराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। अजमेर में चोटी कांड का रहस्य। दरगाह बाजार क्षेत्र के अंदर कोट इलाके में कटी एक मुस्लिम युवती की चोटी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। दरवाजे पर अपनी मां के साथ बैठी थी 12 वर्षीय युवती, अचानक चोटी का एक हिस्सा कटकर गिर गया। रहस्यमय तरीके की इस घटना से क्षेत्र में हुआ चर्चाओं का बाजार गर्म। देश भर में महिलाओं और युवतियों की चोटी काटने की घटनाओं के कारण दहशत फैली हुई है। किशनगढ़ में एक महीने पहले एक महिला की चोटी कटने के बाद सनसनी फैल गई थी। वहीं अजमेर के दरगाह बाजार स्थित अंतर कोट इलाके में 12 वर्षीय एक मुस्लिम लड़की की रहस्यमय तरीके से चोटी कटने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना शाम 4 बजे उस समय घटी जब मुस्कान नाम की युवती अपने घर के दरवाजे के पास अपनी अम्मा के साथ बैठी हुई थी। 8 वर्षीय इस युवती की चोटी का एक हिस्सा अचानक गिरकर अलग हो गया। युवती की लगभग 5 इंच चोटी कटी है। युवती ने पास बैठी अम्मा को इस बात की जानकारी दी तो वह भी चौंक गई। न तो वहां कोई आया और न ही किसी ने कैंची चलाई। बावजूद उसके लड़की की चोटी के बाल कट के जमीन पर गिर गए। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को मिली, युवती के घर पर आस पड़ोस के लोगों का आना शुरू हो गया। युवती के पिता और अम्मा ने लोगों से सलाह मशवरा कर चोटी के कटे हुए बालों को पानी में ठंडा किया, लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्र में एक अजीब सी दहशत का माहौल बन गया है। मुस्कान की चोटी कटने के बाद पूरे क्षेत्र में कई सवाल बनने शुरू हो गए। लोग एक दूसरे से इस रहस्य को समझने का प्रयास करने लग गए कि आखिर युवती की चोटी काटी किसने है। दहशत का ऐसा आलम रहा कि युवती के पिता ने कई लोगों से संपर्क कर उसकी बेटी के साथ हुई वारदात की जानकारी देकर उनसे सुझाव मांगे। बहरहाल देश भर में अब ऐसी घटनाएं कम ही घट रही हैं, लेकिन दरगाह बाजार के अंदर कोट इलाके के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। मेरी बेटी का मुस्कान नाम है, 8वीं क्लास पढ़ती है। इसके सर के बाल कट गए, हम लोग के सामने यहाँ बैठे रहे, सामने सामने कट गए। किस तरीके से कट गए, क्या हो? अम्मा बेटी हम अब बच्चे बैठे सब सामने कट गए, मालूम नहीं पड़ा कैसे कट गए, चुटिया कट गई। फिर आगे आपने क्या किया? फिर हमने क्या किया, फिर उसको नीला उला दिया, उसके थोड़े और बाल काट दिए अपने कि भाई उसको पावजन अगर फैल रहा है, इसको बाल काट दिए, फिर नीला दिए, नीला के दम कर दिया थोड़ा सा। इंशाल्लाह अभी अच्छा है। क्या लगता है कि क्या हो सकता है ये? हो क्या सकता है, कुछ मालूम था, जब दिख ही नहीं रहा था आदमी बता क्या सकता, कैसे कट गया, क्यों कट गया, क्या हुआ। ऐसी घटनाएं और आसपास भी कहीं हो रही है क्या? हाँ, और यूपी में हो रही है। इधर तो अभी पहला घटना अपने यहाँ हुई, अब अजमेर में अपने पहले घटना हुई, यूपी में हो रही, इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, सब इधर तो चलिए पहला घटना यहाँ हो गया। इस घटना से यहाँ वालों में कैसा भय? सब दहशत फैल गई भाई, ऐसा कैसा हो गया, क्यों हुआ, काहे के लिए हुआ, नजर बंद है, दिख ही नहीं रहा आदमी, दिखे तो आदमी कुछ काम भी करे, समझ जाए, इंक्वायरी भी करे, अब दिख ही नहीं रहा सामने, चुटिया कट जा रही। कितने इंची बाल कट गए थे? अरे कम से कम कुछ नहीं तो 5 इंची बाल कट गए। फिर आपने चोटी पकड़ नहीं ली तो पूरे काट देती हो? अच्छा अच्छा, उन्होंने जरा इशारा पड़ा तो उन्हें चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ ली जो उसके हाथ में दो काट ली, और दिखी भी नहीं, अम्मा बैठी, सब सब बैठे। कांग्रेस की क्या, स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन, सद्भावना रैली निकाल कर दी श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। दूर संचार क्रांति के जनक भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कमेटी की ओर से इस मौके पर सद्भावना रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यशाला में रैली शुरू हुई, शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरंगगढ़ चौराह पर समाप्त हुई। रैली में शामिल कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाकर राजीव गांधी को याद किया। रैली में शहर के कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता नदारद रहे। हुआ यूं कि रैली बजरंगगढ़ चौराहे पर समाप्त हुई, इसके बाद राजीव गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन अधिकांश नेता बजरंगगढ़ चौराहे से ही वापस लौट गए। इसको कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब के आह्वान पर राजस्थान के तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आज ये प्रोग्राम पूरा मनाया गया।
आज हम इस बात के लिए राजीव जी को याद कर रहे हैं कि उन्होंने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया, संचार क्रांति दी और महिलाओं को आपके नगर निगम और पंचायत राज्य के अंदर उनको होने के बाद आरक्षण दिया। हम ऐसे नेता को जो नेता लिबरेशन आंदोलन का नेता था, जो इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना सजोकर देश का आज जो रूप नजर आ रहा है उसकी परिकल्पना करने वाला व्यक्तित्व था, तो वो होने के राजीव गांधी जी थे। देखिए आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो हमारे देश के बहुत ही प्रतिभाशाली कहिए, बहुत ही जिनका अमूल्य योगदान इस भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में रहा है, उनकी हम 74वीं वर्षगांठ स्वाभिमान रैली के माध्यम से मना रहे थे और उनकी स्मृतियां जो उनका योगदान है जनता तक पहुंचे, आज युवाओं तक पहुंचे, जो उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में जो क्रांति उनके माध्यम से उनके प्रयासों से जो आई, जो कंप्यूटराइजेशन आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर आज घर घर में है, तो उसके कर्णधाता कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। आज सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, पंचायत राज जो जितना सशक्त हुआ है, किनके सपनों को किनका ये सपना था? स्वर्गीय राजीव गांधी। आज युवाओं को, 18 वर्ष के युवा को जहां एक मतदाता का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया, वो काम देश उन्होंने पहचाना कि ये देश बहुत जवान है। जवान से मतलब कि अधिकांश जो आबादी है वो जवानों की है, 35 वर्ष से नीचे के युवाओं की, तो उसको उन्होंने पहचाना और महसूस किया कि उसके योगदान के बिना। दिव्यांगों के लिए वार्ड 60 में शिविर, सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए किया गया रजिस्ट्रेशन, मेयर गहलोत ने किया शिविर का शुभारंभ। नगर निगम वार्ड 60 में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए दिव्यांग सेवा शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने किया। क्षेत्रीय पार्षद चंद्रेश शांकला ने शिविर की व्यवस्थाओं को संचालित किया। शिविर का लाभ लेने के लिए क्षेत्र के कई दिव्यांग शिविर स्थल पहुंचे। शिविर में दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकार के द्वारा जो दिव्यांग के लिए योजनाएं चलाई गई है, मैं चंद्रेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि और उनको इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूँ कि सरकार के जितने भी बेहतर योजनाएं हैं, जो बोले वो श्रमिक कार्ड से जुड़ी हुई हो, बोले वो भामाशाह के लिए हो, यानी कि जो अंतिम व्यक्ति को, भाजपा का क्षमता है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, निश्चित रूप से उस तबके को जोड़ने का पूरा काम कर रहे हैं। विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो योजना निकली है, इसका आज रजिस्ट्रेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सरकार से आएगा, तो उसको सीधा पैसा इसका भामाशाह में शिफ्ट होगा, तो निश्चित रूप से उसको जितनी भी मिलने वाले लाभ हैं, मतलब वो नौकरी संबंधी लाभ है या अन्य कोई लाभ है, वो सारे इनके माध्यम से मिलेंगे। तो मैं पुनः इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार की सरकार की महती योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यापारी ने लगाया वाणिज्य कर अधिकारी पर गंभीर आरोप, पैसे के लिए किया जा रहा है परेशान, स्टॉक वेरिफिकेशन की आड़ में मांग रहे हैं घूस। अजमेर के आशागंज क्षेत्र के एक व्यापारी सुंदर केसवानी ने वाणिज्य कर विभाग के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। विद्युत उपकरणों के विक्रय से संबंधित व्यापार करने वाले केसवानी ने आरोप लगाया है कि वाणिज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना जबरदस्त है कि घूस लेने के लिए विभाग के अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से ही बाहर निकल जाते हैं। द हिंद एंटी विजन जयपुर जोन के अधिकारी चंदन सिंह शेखावत पर केसवानी ने खुलकर घूस मांगने का आरोप लगाया। केसवानी ने बताया कि उसकी फार्म का एक ऑफिस जयपुर में संचालित था, जिसे मार्च में बंद कर अजमेर आ गया और इस फार्म के ऑफिस को अजमेर स्थानांतरित किए जाने की फाइल भी विभाग में लगा दी, लेकिन उसके बावजूद विभाग के भ्रष्ट अधिकारी स्टॉक वेरिफिकेशन की आड़ में उससे मोटी रकम मांग रहे हैं। केसवानी का कहना है कि घूस की रकम के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह परेशान है। सर, मेरी फर्म मरीना इलेक्ट्रिक के नाम से है, जिसका सर्वे 3 मार्च को हुआ था, जिसमें आगे एंटीविजन राजस्थान को किया गया था। पीछे से लोकल जयपुर सीटीओ का इन्वॉल्वमेंट है और वो सिर्फ एक परेशान करने वाला मामला है और कुछ नहीं, जबकि मेरी मेन फाइल आज अजमेर ट्रांसफर हो चुकी है और मैंने कमिश्नर साहब के पास टेबल एप्लीकेशन भी लगा की है कि मेरी फाइल, केस वाली फाइल को भी ट्रांसफर कर दिया जाए, परंतु उसमें सीटीओ द्वारा प्रेशर किया जा रहा है, लोकल जयपुर सीटीओ लो, जो कि उसका कहीं पे भी अधिकार नहीं है मेरे पे काम करने का, जबरदस्ती मेरी फाइल को वहाँ रोकने के लिए मेरे को प्रेशर किया जा रहा है कि उस फाइल को कैंसिल करके वहीं पे सर्वे उनके पास ही। वजह क्या है इसके पीछे, वजह सिर्फ उनको हैरान और परेशान करना, समझो कि कुछ इनकम करना, जो भी है। क्या अनुचित डिमांड करी है? डिमांड तो फिलहाल एक व्यक्ति को जो भेजा था उसने बोला कि 5 अभी फिलहाल दे दो, बस आगे की बात बैठ के करेंगे। क्या आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी? बिल्कुल करी है, एडिशनल साहब को भी बोल दिया है पर्सनली, ये लिखित में तो अब जाएगी, पर्सनली बोल चुका हूँ मैं तो वहाँ पे, उनको सिर्फ अपनी फाइल ट्रांसफर के लिए बोल चुका हूँ, मेरी फाइल अजमेर ट्रांसफर कर। सर्वे कब हुआ था? 3 मार्च।
2017 स्टॉक कितना था, टर्नओवर कितना था? टर्नओवर मेरा 30 करोड़ के आसपास है। स्टॉक तो अभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, क्योंकि 5 घंटे में कभी भी मेरे यहाँ पे स्टॉक नहीं लिया जा सकता। जबकि उस समय मेरे पास स्टॉक खुद यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल भी नहीं था। कई स्टॉक मेरे जयपुर में अवेलेबल ट्रांसपोर्ट पड़े, कई अजमेर ट्रांसपोर्ट पड़े, जिस चीज़ की मैं जानकारी उस समय मौजूद अधिकारी को भी दे रही थी। उसके बाद भी थे उनके द्वारा यही कहा जा रहा था, सर कर लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, आप तो फटाफट करो, हमें जल्दी निकलना है करके निकल लिए। अभी आपकी जो फाइल यहाँ तक नहीं आ पा रही, आप कह रहे हो, तो किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है? बस एडिशनल कमिश्नर साहब का ऑर्डर होने के बाद अपने आप हो जाएगी। अब वो क्यों नहीं हो पा रही है वो तो कमिश्नर साहब ही बताएंगे क्यों नहीं हो पा रही है। अंबेडकर सर्किल पर मुंह पर पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार है जारी, MD को हटाने की कर रहे हैं मांग। डिस्कॉम कर्मियों को जिला बदर करने के विरोध में चल रहा विद्युत कर्मियों का धरना रविवार को भी जारी रहा। विद्युत कर्मियों ने अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मियों ने मुंह पर पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बढ़ाई। विद्युत कर्मी बिजली के निजीकरण के खिलाफ है। विद्युत कर्मी डिस्कॉम MD को हटाने और किए गए ट्रांसफर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज संघर्ष समिति गठित हुए 16 दिन हो चुके हैं और संघर्ष समिति के बैनर तले अजमेर जिले के सभी जो बिजली के कर्मचारी है वो संघर्षरत है और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का जो प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा अजमेर जिले से बाहर स्थानांतरण किया गया है और MD हटाओ डिस्कॉम बचाओ इस कार्यक्रम के तहत आज हमने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बैनर तख्तियों के माध्यम से और मुंह पर पट्टी लगाकर हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मजदूर अभी चुप बैठा है, यदि मजदूर जाग गया तो अजमेर की दिशा और दशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बिजली के बिना सब कुछ सूना है। हम मजदूर भाइयों आज मैनेजमेंट से ये अपील करते हैं और वर्तमान की जो सरकार राज्य सरकार है उससे हम अपील करते हैं और भीमराव अंबेडकर के यहाँ हम आज मौन लेंगे और मौन पूर्वक हम अपनी शक्ति को बढ़ाकर और पुरजोर विरोध की भूमिका में आएंगे कि आगे वाले आने वाले जो उपचुनाव हैं अजमेर लोकसभा में उसमें हम अगर सरकार ने समय रहते ये स्थानांतरण निरस्त नहीं किए तो हम इसके सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आध्यात्मिक सत्संग में बताया जीवन का मूल्य, कृष्णानंद महाराज ने जीवन धारा से जोड़ा लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। जनमित्र सेवा समिति के बैनर तले आध्यात्मिक सत्संग आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज ने अपनी वाणी में संसार माया और आत्मा के अर्थों को बताया। महाराज ने बताया कि जीवन की पहली खोज ही खुद को पहचानने और जानने की होनी चाहिए। मनुष्य पूरा जीवन भ्रम में जीता है, उसे आध्यात्मिक सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अर्थात वो जिसने भेजा है, दोनों के बीच में है एक यात्रा जीवन की। मैं और तू के बीच का जो एक लंबा सफर है वो है माया। जब मैं संसार में आया और इस माया की दौड़ में यात्रा में जब मैं निकला आया था तो अनभिज्ञ था, कुछ भी नहीं जानता था, यहां तक कि मुझे अपना नाम भी पता नहीं था, मैं कौन हूं इसका भी कोई मेरे पास उत्तर नहीं था। सेवा समिति श्री आनंदम आध्यात्म सेवाधीश के तत्वाधान में राष्ट्रीय संत परम पूज्य डॉक्टर श्री कृष्ण जी गुरुदेव के व्यासत्व में सदी के युग पुरुष परम्बली 1008 श्री जी महाराज मार्गपीठ सलेमाबाद के पावन स्मृति में गोमती तट नैमी सारण्य जयतीर्थ हनुमानगढ़ी सीतापुर लखनऊ में होने वाले आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन संगीत में 7 दिवसीय कथा प्रसंग दिनांक 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तथा दृष्टिबधित नेत्र दिव्यांग कन्याओं के निमित्त श्री आनंदम दृष्टिबधित कन्या शिक्षण संस्थान प्रकल्प के शुभारंभ प्रेरणा प्रसंग में आयोजित कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, जो अन्य संस्थाओं के अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ता अध्यक्ष और सचिव हैं उनको आमंत्रित किया गया है। रानी सती के मंगल पाठ का होगा विशेष आयोजन, पुरानी मंडी स्थित रानी सती के मंदिर पर की गई तैयारियां, सुबह से ही होगी पूजा अर्चना। पुरानी मंडी स्थित रानी सती के प्राचीन मंदिर में रानी सती उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मंगल पाठ होगा, मंदिर में उत्सव मनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। रानी सती माता के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी मनोज गांधी ने बताया सोमवार को मंदिर में सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जय दादी की। श्री रानी सती दादी जी सेवा समिति की ओर से
हर साल की भांति इस साल भी रानी सती दादी जी का सती महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मेला भरता है झुंझुनू धाम के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर भी दादी जी के स्थान पर पुरानी मंडी जो दादी धाम है उसके अंदर हमने रखा है। सुबह से कल प्रातः 7 बजे से पूजा का रखा है, उसके बाद में दोपहर को 2 बजे से मंगल पाठ का आयोजन रखा है। और इसके अंदर हमने ये किया है कि जो भी कोई आसन लेना चाहे और रेगुलर आसन पर बैठ के दादी जी का मंगल पाठ करना चाहे उसके लिए आसन फ्री है, उसका कोई निःशुल्क नहीं है। और जो आसन लेगा पहले एडवांस बुक करा देगा आसन, या सेम डे भी आसन लेगा उसको दादी जी के आशीर्वाद स्वरूप के अंदर सूरज श्रृंगार भेज दिया जाएगा। और शाम को 6 बजे आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल का दिन दादी सतियों का सबसे बड़ा दिन है, ये जो दादी जी सती हुई थी तो वो दिन भी था उनका, तो इसलिए सबसे बड़ी रानी सती जो की है 13 सतियों में सबसे बड़ी सती जो है रानी सती है, तो इनका ही महत्व कल के दिन है। कल के दिन ही मनाया जाता है 13 सतियों में सबसे बड़ी रानी सती की लगती है। ये मंदिर पर 32 साल पुराना है। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए। इससे पहले हमारी माता जी थी श्रीमती मितेश देवी स्वर के, वो करती थी, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद से ही समर्पण मंदिर है और भक्तजन है, काफी आस्था है यहाँ पर, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है दादी जी के आशीर्वाद से। कल का दिन कौन सा है? कल मावस है, बड़ी माधो की मावस है। कल तो माधो की मावस में मेला पड़ता है, बहुत जोरदार मेला पड़ता है जिसमें दादा, उस प्रकार यहाँ पर लोग आते हैं अपने भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, मंगल पाठ होता है, प्रसाद वितरण किया जाता है और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। समिति सेवा करती है अपने हिसाब से करती है, श्रद्धा अनुसार। हमारा समिति के ऊपर या आम पब्लिक के ऊपर कोई जोर नहीं है कि आप इतना पैसा दो या आसन के लिए दो या इसके लिए दो, श्रद्धा भाव से जो श्रद्धा से देता है वही स्वीकार है मंदिर पे। सब पब्लिक के सहयोग से ये मंदिर चल रहा है और हर कार्यक्रम होते हैं। दादी जी का शुभ महोत्सव मनाते हैं हम, जो भी दादी जी का जुलूस निकालते हैं 3-4 दिन में प्रोग्राम करते हैं, उसमें मेहंदी प्रतियोगिता रखते हैं, आरती थाली सजाओ, हर प्रकार की मतलब प्रतियोगिता रखते हैं ताकि पब्लिक को नए नए एंटरटेनमेंट होता रहे इसके अंदर और दादी जी से आस्था बनी रहे। कितने लोग हैं समिति में? समिति में हमारे 70 लोग हैं। आपका नाम? मनोज गांधी। जय दादी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें foreignthing.com, सच के साथ। दावा नहीं हकीकत है, अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले सबसे तेज केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज सच के साथ।